हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नगमा और स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो वीडियो में आप सभी एंड तक ज़रूर बने रहें। यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम सभी ने जो है कल अपनी वेबसाइट देखी, जैसा कि कल मंडे था और हर मंडे को हम अपनी न्यू वेबसाइट देखते हैं। तो आप सभी ने भी नोटिस किया होगा जो हमारी वेबसाइट है उसे अब जो मेन अट्रैक्शन है हमारे वेबसाइट का, वो सबसे जो बॉटम का पार्ट है जहाँ पर हमारे ऑफिस शो होते हैं, वो वाला पार्ट है जहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पिनिंग ग्लोब है, जहाँ पर वो जो ग्लोब है वो स्पिन कर रहा है और साथ ही जो है ट्विंकलिंग स्टार्स के थ्रू जो है हमारे ऑफिसेज या जो हमारा लोकेशन है ऑफिसेज का, उसे वहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो जैसा कि पहले हम नाम देख रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम वहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो ग्लोब है वो स्पिन होता रहता है और वहाँ पर जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्रीज़ में हमारे ऑफिसेज़ हैं उन उन कंट्रीज़ के पास आप देखेंगे कि उन कंट्रीज़ पर स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी ज़रूर चेक करिए। आप onpassive.com जब लिखते हैं तो वही हमारा वेबसाइट ही ओपन होता है और उसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे जहाँ पर हमारे पेमेंट्स के जो ऑप्शंस हैंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑप्शन के थ्रू जो है यहाँ पर पेमेंट्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है, उससे जस्ट जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पर हमारे ऑफिसेज या जो हमारे लोकेशंस हैं ऑफिसेज के, वो शो किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि आप सभी ने जब ओ कनेक्ट देखा होगा वहाँ पर वेबसाइट में ही, तो वहाँ पर जो है गूगल स्टोर और जो एप्पल यूज़र्स हैं उन सबके लिए भी वहाँ पर ऑप्शन है और इसी के साथ जो है एरो भी है वहाँ पर। जब एरो पर क्लिक करते हैं तो ओ वेरीफाई का ऑप्शन आता है और ओ वेरीफाई के ऑप्शन के आगे कमिंग सून ही लिखा आ रहा है। और हमें भी पता है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा ओ वेरीफाई का ही रहने वाला है, जो कि आने वाले दिनों में हमें बहुत जल्दी हमारे सीईओ की तरफ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। जैसा कि उन्होंने बताया भी था कि पहले न्यू रिलीज़ होगा और इसके बाद जो है हमारा ओ वेरीफाई का प्रोसेस स्टार्ट रहने वाला है। तो जैसा भी होगा, खैर उसके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन आगे चलकर मिल जाएगी। बट यहाँ पर ओ ट्रिम के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमारे सीईओ ने सजेस्ट किया हुआ है ओ ट्रिम के रिगार्डिंग, वो ये कि जब तक आप लोगों को आपके इकोसिस्टम से लिंक ना मिल जाए तब तक आप उसे इंस्टॉल ना करें, क्योंकि वो जो है हमें हमारे प्ले स्टोर में भी नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर जिस तरीके से हमने अपने बाकी के दोनों एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किए थे, उसी तरीके से जो है हमारा ओ ट्रिम का भी जब लिंक हम लोगों को अवेलेबल कर दिया जाएगा तभी अगर हम अपने ओ ट्रिम को इंस्टॉल करें तो वो हम सभी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी आप सभी समझदार हैं और आप सभी ने जो है हमारे सीईओ को ज़रूर सुना होगा और बैक ऑफिस के जो अपडेट्स हैं उन्हें भी ज़रूर वहां से पढ़ा होगा। इसके अलावा यहां पर बात की जाए तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे, जिन लोगों के पास मल्टीपल अकाउंट्स थे तो उनमें से उन्होंने कुछ अकाउंट्स को जो है एक्टिवेट कर लिया था, कुछ के लिए मैनेज कर रहे थे जो पेमेंट्स हैं और अभी मैनेज हुआ तो वो जो है क्या क्रिप्टो के थ्रू अभी पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल, ये हम लोगों को पता है कि कार्ड्स के थ्रू जो है वो बहुत पहले ही हमारा जो पेमेंट है वो क्लोज़ किया जा चुका है, बट क्रिप्टो के थ्रू जो है बहुत इजीली हो रहा है और कल कुछ लोगों ने ट्राई भी किया और बहुत इजीली जो है क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट हो गया है। तो अगर आप लोग भी आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन था कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल क्रिप्टो की नॉलेज अगर आप रखते हैं तो क्रिप्टो के थ्रू जो है आप बहुत इजीली जाकर वहां पर ओ कनेक्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी आप सभी जब वेबसाइट को चेक करते होंगे तो वहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जिनके पास वैसी क्वालिफिकेशन है, जो यहाँ पर अपना करियर बनाना चाहते हैं onpassive के साथ, तो करियर के ऑप्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ एज अ फाउंडिंग मेम्बर्स तो वो यहाँ पर हैं ही, बट वो एज अ करियर भी onpassive को ही सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप करियर के ऑप्शन पर सेलेक्ट करिए और वहाँ जाकर आप चेक करिए कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन है और आपके जो क्वालिफिकेशन है उससे वो सारे क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं या नहीं, और आप वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर वहां पर जो नंबर मेंशन है आप वहां से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है हमारे वेबसाइट में। सबसे मेन जो होता है वो हमारा अबाउट अस सेक्शन होता है, जिसके रिगार्डिंग मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसे ज़रूर पढ़ा करें। मीडिया सेंटर का होता है, जहाँ पर हम कहाँ कहाँ न्यूज़पेपर में आए हैं या फिर किन के साथ हमारे जो पार्टनरशिप्स हुई है या अमालगमेशंस हुए हैं या कोलैबोरेशंस हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वहाँ पर मौजूद रहती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें हम तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा है, वो ये कि हमें पेमेंट कब से आएगा और कितना आएगा। तो सबसे जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि पेमेंट को लेकर, तो बिल्कुल पेमेंट जो है वो हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हम सभी का जो ड्रीम है वो यहीं से जुड़ा हुआ है और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हर कोई जो भी एंटर हुआ है तो वो पैसों के लिए ही एंटर हुआ है।
तो जिस तरीके से बताया गया है स्टेप, उसी तरीके से जो है प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। तो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो भी हम यहाँ पर ओ वेरीफाई के बाद देखेंगे। बट यहाँ पर किसको कितना मिलेगा इसके बारे में जो है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता है कि किसको यहाँ से कितना मिलने वाला है। बट हाँ, अगर आपने यहाँ पर एक अकाउंट भी होल्ड किया हुआ है, या फिर ये बोलिए कि अगर आपने एक पोजीशन को भी सिक्योर किया हुआ है, तो इट मींस कि वो एक अकाउंट भी इनफ है आपके लिए। और जिन लोगों को ये लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, या फिर हमारे जो यहाँ पर हमने डायरेक्ट नहीं किए हैं, क्या होगा कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऑलरेडी हमारे सीईओ हम लोगों के साथ बता चुके हैं कि किस तरीके से सब कुछ रहने वाला है। अभी यहाँ पर होल्डिंग टैंक वाले ट्रैफिक जिसका कैलकुलेशन ऑलमोस्ट किया जा चुका है, तो जब भी वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो वो जो ट्रैफिक वाला जो ट्रैफिक है हमारे होल्डिंग टैंक वाला, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो वो हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद आगे चलकर जो है टारगेटेड ट्रैफिक रहने वाला है, जो कि मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पर हम लोगों को अलॉट किया जाएगा, या फिर हमारे जो डोमेन नेम्स होंगे उनके थ्रू जो है हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे ही जो है ये चीज़ें आगे ऐड ऑन होती जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा। इट मीन्स कि कोई भी जो है यहाँ पर सिंगल नहीं रहने वाला है। बाकी जो लोग यहाँ पर पर्सनल एफर्ट लगा सकते हैं, या जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने गोल को जल्दी अचीव करना है, तो बिल्कुल वो यहाँ पर पर्सनल एफर्ट के साथ जो है अपना काम कर रहे हैं। बट जिन्हें ऐसा लगता है कि वो थोड़े से शाय हैं, वो दूसरों के साथ हर चीज़ को शेयर नहीं कर पाते हैं, और वो यहाँ पर टोटली डिपेंडेंट हैं कंपनी के ऊपर, तो ये इस कंपनी के पास भी जो है यहाँ पर ऑटोमेटेड सिस्टम है, ये सभी हम जानते हैं, कैटमो है, तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पर अगर हम बात तो कोई भी सिंगल नहीं रहेगा। और इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन भी किया गया है जो हमसे बोला गया था उन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए। इट मींस कि अगर हम यहाँ से सक्सेस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हम यहाँ से वो सक्सेस भी हासिल करेंगे जो हम हमारे माइंड में चलता था या जो हमारी प्लानिंग थी। तो वो जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो हम ऑन पैसिव के साथ आकर यहाँ पर अगर हम जुड़े हैं तो वो हमारा ज़रूर हम अचीव करेंगे। इसके अलावा इनएक्टिव आईडीज़ को लेकर अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ 9 या 10 केसेस जो हैं इनएक्टिव आईडीज़ के रिगार्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी हमें हमारे ढिलन सर ने इन्फॉर्म किया हुआ है, और नीरज सर ने भी, वो ये कि यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं वो मोहम्मद कमाल सर और पूरी टीम के साथ। आप सभी को याद होगा कि यहाँ पर जो है पूरी टीम के साथ हमारे कुछ लीडर्स की मीटिंग हुई थी, जहाँ पर ये पूरा डिस्कशन किया गया था कि सारी चीज़ें जो है उनके साथ शेयर की जाएंगी और फिर जो सोल्यूशन है वो निकाला जाएगा। तो यहाँ पर उनके साथ जो है उन्हें फॉलोअप में लिया गया है और चीज़ें जो है वो प्रोसेस में है। इट मींस कि जैसे ही वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर अगर उनसे और कुछ भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप लोगों से ज़रूर पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो इट मींस कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर आपकी आईडी इनएक्टिव शो कर रही है कुछ 6 या 7 मंथ से, स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने देखा कि कुछ कार्ड्स का इशू हुआ था, और वहाँ उसके बाद से जो है कुछ लोगों के साथ यहाँ पर इनएक्टिव आईडी का इशू आ गया था, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे सीईओ ने कहा है, या फिर हमारे मोहम्मद कमाल सर ने कहा है, या फिर अगर हमारे इंडियन लीडर्स भी कह रहे हैं, तो ज़रूर वो सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाकी हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव जो है वो हम सभी के लिए काम कर रही है, उस सिस्टम को बनाया इसी तरीके से गया है कि ये हर किसी के लिए यहाँ पर काम करे। और जिस तरीके से कंपनी यहाँ पर कोलैबोरेशंस जो कर रही है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसमें से भी जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। या फिर अगर हम ये बोले कि जो कंपनी कमीशंस और बोनसेस डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रही है, तो कुछ हम यहाँ से भी देखने वाले हैं। और अगर हमारे सीईओ हम लोगों से ये कहते हैं कि यस यहाँ पर जो है वो हम सभी के लाइफ को चेंज करने वाले हैं, हम जितनी जल्दी सोच रहे हैं उससे भी जल्दी जो है वो हम सभी के लाइफ को यहाँ पर चेंज करेंगे, अगर कोई पर्सन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है हम सभी के फ्यूचर को लेकर और इतना ज़्यादा सीरियस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे होंगे अपनी पूरी टीम के साथ। और हम लोगों को भी पूरी उम्मीद है कि जैसा हमारे सीईओ ने कहा है वो उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे, और जो हम एक अपना सुनहरा फ्यूचर इमेज करते हैं या फिर हमारे जो ख्वाबों में हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हम होता हुआ भी ज़रूर देखेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बाकी के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।